तो सासर कहा लिखी तो राज महपा ससुर जी के नाम राजा जैसे कि सासु जी के नाम सती देवला आज के स्वामीनाथ के नाम दुनिया संसार में कैसे लिख सकती हूँ आज के देवा जी के नाम वही जमीर है कि मैंने एक एक से पुत्र पैदा लिया जो पुत्र के नाम वही इंद्र कुमार है जब पुत्र के नाम इंद्रजीत कुमार है जब इंद्र 10 वर्ष का हुआ और इंद्रजीत 5 वर्ष की कि प्रेम के चंडाल देवर जी एक विषम कहा करा दी तो ही मकबूल को लिया समय बोल गया कि देखो बेटा इंद्र देखो बेटा इंद्र जी जब तक उधर नाम का परवाना रात महापास सुमतपुर को ले न जाए तब तक दोनों बाबा रात महापास सकते नहीं कॉलेज में ना तो कोई खबर ना तो कोई परवाह भगवान मेरे सासु माँ भी जीवित है जिसने अपने सासु माँ की सेवा नहीं करती उस दिन पानी तो क्या एक आम की गर्म करती हूँ इस समय मैं अपने सासु को महल में जाकर एक हाथ सेवा अवश्य करूँ Thank you.
नाजी के नाम राजा बेली सिंह और भैया के नाम राजा महेंद्र सिंह और मेरे नाम सती देवला है कि माँ मेरी सासुर कहाँ तो ही राज भाबा ससुर जी के नाम है राजा चंदन सिंह कि माँ मेरे गांव से दो बालक पैदा लिए हैं बड़े बालक के नाम अलहा सिंह और छोटे बालक के नाम रुदन सिंह है। माँ रुदन सिंह ने जब स्वरी घर में जन्म लिया तो मेरी स्वामीनाथ के छगरू सिंह ने सर काट लिया। माँ छुपा करके राज राज भर बन की माँ लेकिन मेरी वही रुदन सिंह राज मोहब्बा कैम किए हैं। राज मोहब्बा में 101 मंत्री थे लेकिन आज एक भी दिखाई नहीं दे रही है। मैं मंत्री को आवाज लगाती हूँ मंत्री मैं पूछी बुढ़िया महारानी जी मास्टर बड़ी चिंता के बात हो क्या ई 14 कोस के राज राज मोहब्बा सब पर्दा लो जना जैसे तना ठिकाने छे जना जैसे तना ओली ठोली दे छो मास्टर जते टा के राज में कोई राजा नहीं छे जैया से बुढ़वा महाराज मरले तैया से राजपाट होइना छे लहल छे कोई राजा नहीं छे। मंत्री आप क्या बोल रहे हैं क्या आपको प्रजा लोकता
छे गांव गांव का छतरी सब सब ताना मारे छे महारानी जी मंत्री आपको मैं कहना सही बात है कि जब से स्वामीनाथ ने राज सोहरे में मारा गया जी महारानी जी उस दिन से राज महापा में कोई राजा नहीं हुए हैं सेहान महारानी जी मंत्री हाँ महारानी जी मेरी इच्छा है कि अपने हाथों से अपने बेटे के राज तिलक कर दूं कि राज महापा के राजा बन जाए मैं तो पागल आम ही हूँ कब गिरूंगी कब नहीं मंत्री जी महारानी जी ऐसे करो तुम बड़े बेटा अल्लाह को और छोटे बेटा रुद्र सिंह को बुला करके ले आओ और दोनों बेटा से मैं एक बात पूछती हूँ यानी रुद्र महाराज के जटका महाराज अल्हा सिंह के दोनों को बुला कर लो महारानी जी बस हम तुरंत अखने के लोग तुरंत बुला कर लावे छी महारानी जी मंत्री हाँ तुम यहाँ से फौरन चले जाओ और दोनों बेटा को मेरे पास अवश्य लेके आओ